क्या आपके मन में कभी ये सवाल आया है कि योग कितना पुराना है, इसकी शुरुआत कहाँ हुई थी, और सबसे इंटरेस्टिंग सवाल कि क्या योग दुनिया को भारत की ही देन है। मुझे पता है आप क्या सोच रहे हो कि योग की शुरुआत तो भारत में ही हुई थी, इसमें इतना सोचने वाली क्या बात है। लेकिन इसमें सोचने वाली बात है, क्योंकि ये साबित करना इतना आसान नहीं है। इस बात पर सालों से डिबेट होती आ रही है। पिछले कुछ सालों में योग पूरी दुनिया में काफी फेमस हो चुका है, और वेस्टर्न लोगों ने तो योग पर अपना इन्फ्लुएंस दिखाने के लिए इसके अलग अलग टाइप्स भी खोज लिए हैं, जैसे कि यिन योगा, हॉट योगा, एक्रो योगा, एरियल योगा, एक्वा योगा और ना जाने क्या क्या। हमेशा से वेस्टर्न लोगों ने ऐसे खोजों का क्रेडिट लेने की कोशिश की है जिनका आविष्कार भारत में हुआ था, और इस काम में वो काफी हद तक सफल भी रहे हैं। ठीक ऐसे ही दुनिया भर के लोगों ने अपनाई योगिक जीवन पद्धति का भी क्रेडिट लेने की कोशिश ये वेस्टर्न लोग हमेशा करते आए हैं। तो मैं आपको हड़प्पा सभ्यता से जुड़ी जगहों पर मिले तीन अलग अलग टाइप के स्टैचूज दिखाऊंगा, जो योग और हड़प्पा सभ्यता के बीच मौजूद संबंध से पर्दा उठाते हैं। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो साइट्स पर एक्सकेवेशन करने वाले जॉन मार्शल को वहां पर ये कुछ मूर्तियां मिली थी। इन मूर्तियों को देखने पर ये समझने में देर नहीं लगती कि ये सारी मूर्तियों में एक ही चीज कॉमन है, इनका योगिक पोस्चर। दूसरा सबूत है पशुपतिनाथ जी की ये मूर्ति। पशुपतिनाथ जिन्हें शिवजी का एक रूप भी माना जाता है, उन्हें इस मोहर पर पद्मासन में बैठे हुए दिखाया गया है, और ये योग के अभ्यास के सबसे पुराने सबूतों में से एक है। योग और मेडिटेशन सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के जीवन का कितना जरूरी हिस्सा था, ये बात साबित होती है यहाँ पर मिले इस फेमस प्रिस्ट किंग के स्टैचू को देखकर। इसे बनाने वाले ने यहाँ पर इस राजा को मेडिटेशन करते हुए दिखाने की कोशिश की है, और ये बात इस स्टैचू के आंखों से ही पता चलती है जो आधी बंद है। अब देखिए, योगा कोई ऐसी चीज नहीं थी जो किसी एक आदमी ने खोजी थी, और इसे प्रैक्टिस करने के तरीके भी धीरे धीरे बदलते गए। प्राउड फील करने वाली बात यह है कि यह सब हुआ था भारत में ही, लेकिन बुरी बात यह है कि हमारे भारतीयों ने कभी इस चीज का श्रेय नहीं लिया, इसीलिए आज सारी दुनिया योग के खोज का श्रेय लेने की कोशिश कर रही है। लेकिन कुछ वेस्टर्न के लोग और वो भारतीय लोग जो ये मानते हैं कि योग का जन्म भारत के बाहर हुआ था, उन्हें ये सिंपल बात नहीं पता कि प्राचीन भारत में चीजों को लिखा नहीं करते थे, इनफैक्ट उसकी जरूरत भी नहीं थी। हमारे यहाँ आश्रम में ये सारी चीजें गुरु से शिष्य को सिखाई जाती थी, और फिर जुबानी ही आगे पहुंचती थी। लेकिन आज मैं फिर से वही बात करूंगा जो मैंने इसके पहले भी कई बार की है कि आप कागजों पर लिखा हुआ इतिहास मिटा सकते हो, पत्थरों में तराशी हुई मूर्तियां भी आप तोड़ सकते हो, लेकिन जो मूर्तियां पिछले सैकड़ों सालों से, मतलब लगभग 5000 सालों से जमीन में दफन थी, जो आपके हाथ नहीं लगी, जिन्हें आप मिटा नहीं पाए, तोड़ नहीं पाए, उनकी सच्चाई आप कैसे छुपा सकते हो। तो लोग चाहे कितना भी इस बात को नकारने की कोशिश करें, लेकिन योग का संबंध सीधा सीधा हिंदुस्तान से है और हिंदू धर्म से है। हिंदू धर्म से इसीलिए क्योंकि हिंदू धर्म में कई सारे पुराने ग्रंथों में अक्सर इसका वर्णन किया गया है, इसलिए हिंदू धर्म से योग का जो रिश्ता है उसे झुठलाया नहीं जा सकता। और चलो ठीक है, अगर आपको मुझ पर यकीन नहीं हो रहा है तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से एंशियंट इंडियन हिस्ट्री में PhD हासिल करने वाले डॉक्टर भगवान सिंह ने अपनी किताब में भी यही कहा है कि हड़प्पाकालीन जगह पर की गई खुदाई में मिली ये सारी मूर्तियां योग करते हुए लोगों के बारे में ही है। आई होप इस वीडियो में मैं आपको योग का भारत से जुड़ा जो इतिहास है और भारत में उसके ओरिजिन से जुड़ी सच्चाई आपके सामने रख पाया हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक जरूर करिए, और इवेंचुअली ये सच्चाई ज्यादा लोगों तक पहुंचे, जिसकी काफी जरूरत भी है। तो चलिए, मैं हूँ सुमित, और मैं मिलता हूँ आपसे अगले एपिसोड में।